ये रियायत के आधार पर ये दो ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये दो ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने। आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है, मैं कभी नहीं कहता कि डरो। 5 साल के लिए हमारे पास मैंडेट था, हम भी सालों तक जिस तरह सबने सत्ता का सुख भोगा हम भी भोग सकते थे। कल कौन सा चुनाव है मान्यवर, कौन से कल इसका राजनीतिक फायदा उठाना है, चुनाव 4.5 साल के बाद है, मगर देश की समस्याओं को कितने साल तक टालते रहेंगे, लटकाते रहेंगे और समस्याओं को क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बड़ी करते रहेंगे। जो जो सत्ता पर रहे सबको मैं कहना चाहता हूं, आज रात को रूम में अंधेरा रखकर अपने आत्मा के साथ संवाद करिए, अगर ये बिल 50 साल पहले ला दिया होता तो आज परिस्थिति इतनी न बिगड़ी होती। और मान्यवर मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हंसना बहुत सरल है, हंसने की छुट्टी भी है, सभापति महोदय रोकते नहीं हंसने से, परंतु इतना याद रखेगा जब हंसते हैं तब एक करोड़ों पीड़ित लोग भी आपको देखते हैं कि हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, हमारी पीड़ा पर हंस रहे हैं, वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो भी जरा याद रखिए। अगर इस देश का विभाजन ना होता और धर्म के आधार पर ना होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। आज मैं पाकिस्तान के कई कानून कोट कर सकता हूं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, आपको कई प्रकार के प्रतिबंध डाल दिए गए, कुछ सदस्यों ने आंकड़ा बताया, कल मैंने भी लोकसभा में बताया था, 23% से 30% हो गए, 22% से 7% हो गए, और यहां क्या हुआ, यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने, माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और संवर्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का, मगर ये कानून होने के बाद जब हम कहेंगे आपको उस दिन से नागरिकता दी जाएगी और आपकी सारी चीजों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, संख्या जब आएगी नागरिक बनने की, इस सदन में मैं भी होऊंगा गुलाम नबी साहब, आप भी होंगे, लाखों लाखों करोड़ों होंगे, ये मैं सदन की उपस्थिति में कहूंगा, क्योंकि आपने उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था ही नहीं करी, कैसे अपने आप को वो जाहिर करते तो नौकरी चली जाती, शादी टूट जाती, अपना घर चला जाता, गिरफ्तारी भोगनी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं इसमें निर्भीक होकर वो कहेंगे हाँ हम शरणार्थी है, हमें नागरिकता दीजिए, और उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नागरिकता देने का प्रोविजन हम लेकर आए। इसलिए अब घोषणा करें, जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं, आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं, और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या, इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब। जब श्रीलंका के लोगों को दी नागरिकता, श्रीलंका से आए हुए लोगों को दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि उस वक्त बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी, जब युगांडा से लोग आए उनको नागरिकता दी, मैं पूछ सकता हूं भला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं, मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी, ऐसा नहीं होता है, एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग। मैं नहीं कह रहा हूं आनंद शर्मा जी आप दुखी मत हुई, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूं, और उनको एक रियायत देने के लिए राजस्थान की बॉर्डर पर जो आए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने मान्यवर 2 बार रियायत दी है, और 13,000 लोग ये रियायत के आधार पर, ये दो ही धर्म के, दिग्विजय सिंह सुन ले जरा, ये दो ही धर्म के 13,000 लोग नागरिक बने, मगर वो नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस जो करेगी वो तो सारा सेक्युलरिज्म है, सारा सेक्युलरिज्म, जो करो वो कोई भी आपत्ति नहीं है, कब तक मूर्ख बनाओगे माइनॉरिटी को। मान्यवर ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब के आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान, मैं तो नहीं चाहता डरे,
आपके ही लोग कहते हैं डर है डर है डर है। मैं कभी नहीं कहता कि डरो, डरना भी नहीं चाहिए। इस देश के गृहमंत्री पर सबका भरोसा न होना चाहिए और मैं कहता हूं माइनॉरिटी को जरा भी चिंता मत करो। और इस बिल के लिए भी मान्यवर, इस बिल के लिए भी कहता हूं कि यह बिल भारत में रहने वाले किसी भी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को जरा भी नुकसान करने वाला नहीं, क्योंकि यह बिल सिर्फ उनको नागरिकता देता है, किसी की नहीं छीनता है। किसी की नागरिकता छीनने का सवाल ही नहीं है इस बिल से। इसके कोई प्रोविजन में से निकालकर मुझे बता दे जरा, किसी की नागरिकता नहीं छीनने जा रहे हम। हम जो वहां से बिचारे वो शरणार्थी आए हैं उनको दे रहे हैं, इसमें भला भारत के मुसलमानों को क्या आपत्ति होगी? क्यों भेद खड़ा कर रहे हो? भारत के मुसलमानों को भारत ने सम्मान दिया है,